Good morning, students. I welcome you all. We were studying lesson 12 the moon and shadow. In the previous video, we studied about the moon, its surface, different phases of the moon, and about the artificial satellites. In this video, we are going to learn about the light and formation of shadow, and also we will learn about the solar and lunar eclipse. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास यू नो अबाउट द लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हाउ डज इट ट्रेवल लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स ओके द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन मून और द लैम्प इट रीचेज टू अवस इन स्ट्रेट लाइन्स ओनली लाइट जो है कैसे ट्रेवल करते हैं लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन्स में ही ट्रेवल करते हैं To understand this, let's do an activity. For this, you need three cardboards of equal sizes. Now, we have to keep them one over the other and we have to make a hole in all the three cardboards. After this, you have to place them in the stands, but be careful that the holes must be in the same straight line. Now, you have to place a lighted candle on one side of the cardboards as shown in the picture the rays of the candle will travel to the all sides and some of the rays will pass through the holes of the cardboards also now you have to look through the hole of the other cardboard are you able to see the light yes we are able to see the light because the light rays from the candle passes through the holes in straight lines now what we have to do is just move the middle cardboard little downside and look as before are you able to see the light no we are unable to see the light because the straight path is not followed here the rays of the light is blocked by the cardboard this proves that light Always travels in the straight lines. Next topic is the objects cast shadows in light. The three things which we need to form a shadow are first, we need object, second, is the source of light, and third, is the surface where the shadow is formed. Okay, every object casts its shadow. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट शेडोज आर ऑलवेज फॉर्मड बिहाइंड ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स दट ऑन साइड ऑफ सोर्स ऑफ़ दाइट शेडोज बनते हैं लाइट सोर्स के हमेशा ऑपोजिट साइड्स में बनते हैं शेडोज द लेंथ ऑफ द शेडोज इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट When the source of light is far away, the shadows are longer. When light source is the shadows are Because of this reason, the shadows are longer in the morning and evening time. And when the source of light is nearer, the shadows formed are shorter. During the noon time, शेडोज आर शॉर्टर यू नो दैट शेडोज आर फॉर्मड ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड टू दोर्स ऑफ लाइट सो वेन यू ऑब्जर्व द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूल सी दैट इट हैजू रीज जब आप किसी ऑब्जेक्ट के शेडो को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे की उसके दो रीजन्स होते हैं इट्स सेंट्रल रीजन इज एब्सोल्युटली डार्क एंड द आउटर रीजन इज पार्शियली डार्क ओके दिस सेंट्रल डार्क रीजन वी कॉल इट विकॉलीटस अम्ब्रा एंड द आउटर लेस डार्क रीजन वी कॉल इट विकॉलिटस पेनम्ब्रा किसी भी शेडो के दो रीजनस होते हैं एक जो सेंट्रल रीजन होता है वह डार्क होता है उसे अम्ब्रा कहा जाता है और आउटर रीजन जो होता है पार्शली डार्क होता है उसे पैनम्ब्रा कहा जाता है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्लिप्स सो एट वॉट टाइम डज इट इट एट दो सन मून एंड द अर्थ दे आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स फर्स्ट इज द लोनर एक्लिप्स और द एक्लिप्स ऑफ द मून सेकेंड इज द सोलर एक्लिप्स और द एक्लिप्स ऑफ द सन एक ग्रहण कहा जाता है लोनर एक्लिप्स मीन्स चंद्र ग्रहण और सोलर एक्लिप्स मीन्स सूर्य ग्रहण वी विल स्टडी अबाउट द लोनर एक्लिप्स फर्स्ट ओके ड्यूरिंग द रेवल्यूशंस ऑफ द मून एंड द अर्थ एट वन टाइम द सन मून एंड द अर्थ दे कम इन द सेम स्ट्रेट लाइन इट कैन हैपन ऑन फुल मून नाइट्स वेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून मून और अर्थ जब रेवोल्यूशन करती है तो एक टाइम पे सन मून और अर्थ तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं लूनर एक्लिप्स कब होता है फुल मून नाइट्स के दिन जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाता है वॉट हैपन्सर इज द शेडो ऑफ द अर्थ इट फॉल्स ऑन द मून एंड सिंस द अर्थ इज बिगर इन साइज देन द मून इट्स शेडो कैन कवर द कम्प्लीट डिस्क ऑफ द मून एंड देन वी आर अनेबल टू सी द मून वी कॉल इट एज लूनर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स में अर्थ की शेडो मून के ऊपर पड़ती है क्योंकि अर्थ की साइज बड़ी है मून से उस वजह से उसकी शेडो पूरे मून को कवर कर लेती है इस वजह से हम मून को नहीं देख पाते इसे हम लोनर एक्लिप्स कहते हैं दिस अर्थ शेडो हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द पार्ट, वेयर इट टोटली ब्लॉक्स द सनलाइट एंड सेकेंड इज द पेनम्ब्रा पार्ट, वेयर अ पार्ट ऑफ द सनलाइट इज ब्लॉक्ड वेन द अर्थ शेडो कंप्लीटली कवर्स द मून डिस्क कॉल इट एज टोटल लूनर एक्लिप्स एंड इफ ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड देन इट इज नोन एज पार्शल लूनर एक्लिप्स दिस इज ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम सो एज सुन एज द मून मोफ्स आउट ऑफ द अर्थ शेडो इट बिगिनस टू शाइन अगेन लूनर एक्लिप्स शॉर्ट टाइम के लिए होता है जैसे ही मून अर्थ के शेडो से बाहर आती है फिर से शाइन करने लगती है द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट दिस एक्लिप्स डू नॉट दिसलिप्स ऑन एवरी फुल मून नाइट द कंडीशन रिक्वायर्ड इज द सन मून एंड द अर्थ दे शुड फॉल इन एग्जैक्टली द सेम स्ट्रेट लाइन हर फुल मून नाइट्स में यह एक्लिप्स नहीं होगा इसके लिए सन अर्थ और मून तीनों की पोजीशन एक ही स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए नाउ we'll study about the solar eclipse you all know that the earth revolves around the sun and the moon revolves around the earth so both of them get light from the sun moon or earth dono light Kise milti hai sun se milti hai during this revolution all the three heavenly bodies they may come in the same straight line this happens on the new moon days when the moon is between the sun and the earth. In the picture, you can see that in solar eclipse, the moon is between the sun and the earth. Now the result is that the shadow of the moon it will fall on the earth. The moon being smaller in size, the people in the shadowed part they cannot see the sun. दे कोलिटस सोलर एक्लिप्स सोलर एक्लिप्स में सन मून और अर्थ तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं और मून सन और अर्थ के बीच में होता है मून की शेडो अर्थ पर पड़ती है क्योंकि मून छोटा है साइज में उस वजह से जो लोग इस शेडोड पार्ट में रहते हैं उन्हें सन नहीं दिखता इसे ही वह सोलर एक्लिप्स कहते हैं द मून शेडो ऑल्सो हैज टू पार्ट्स अम्बरा पार्ट एंड द पेन अम्बरा पार्ट वेन द अम्ब्रल शेडो ऑफ द मून इट रीचेज द अर्थ वी कैनॉट सी द सन सो वी एक्सपीरियंस टोटल एक्लिप्स फ्रॉम दैट रीजन ऑफ द अर्थ जब मून की अम्ब्रल शेडो वाली पार्ट अर्थ पर पहुँचती है तब हमें सन दिखाई नहीं देता वहाँ पर टोटल एक्लिप्स उस रीजन में होता है but when the penumbral shadow of the moon it reaches the earth a part of the sun is visible we can experience partial eclipse from that region of the earth when the penumbral shadow of the moon reaches the earth we see some part of the sun from that region we experience partial eclipse okay these are the two types of eclipse first is the Lunar eclipse, second is the solar eclipse. The difference is that in lunar eclipse, the earth is between the sun and the moon, and in solar eclipse, the moon is between the sun and the earth. With this, the 12th chapter, Moon and Shadow, is completed. Thank you.